जी राधे राधे जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। गुरु जी, मैं अपने सासू माँ को 7 महीने से रखा हूँ अपने साथ में, और उसके लड़के लोग उसको निकाल दिए हैं। अच्छा, उसको मारपीट के जो भी जैसे भी निकाल दिए हैं, मैं उनको अपने साथ में रखा था। हाँ, हमारी सासू माँ का बहुत मेरे को वो किए कि मेरे को वहाँ आप पहुँचाओ, एक बार पहुँचाओ, मैं वहाँ जो है अपना रहूंगी, मैं आप लोगों के यहाँ नहीं रहूंगी। तो आप उनके दामाद हो? जी, मैं उनके दामाद हूँ। तो आप सेवा कर रहे हैं अच्छे से? जी, सेवा कर रहा हूँ, बहुत मेरे को किए तो भी उनको लेके भी आया हूँ मैं। कोई बात नहीं, अच्छा है आप सेवा कर रहे हैं, ये पुण्य का कार्य है। बेटा निकाल दे तो बेटी माँ की सेवा करे और दामाद सेवा करें, ये आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं। मेरे से भी अब वो कर रही हैं कि मेरे को आपके साथ अब नहीं रहूंगी, मैं जो है उनके साथ जाऊंगी और करके वो आई है मेरे साथ में। नहीं नहीं, मैया को समझा दो, मैया सुन रही है क्या? वो सुन रही है, आप ही समझा दीजिए। हाँ मैया, बेटी सेवा करे, बेटा सेवा करे, दामाद सेवा करे, एक ही बात है। तो सेवा करा लो बेटा दामाद, बेटी दामाद से। गुरु जी, उनको आप रख लीजिए, वो मान नहीं रही है मेरे से, बहुत मेरे को माने वो भी किए। कहाँ है मैया, बात कराओ हमारी। जी, बात कराओ। हाँ मैया, खड़े हो जाओ, मेरी माँ बैठो, अभी करेंगे। बात कराओ मैया से। मैया राधे राधे। मैया राधे राधे, कैसी हो मेरी माँ? हाँ राधे राधे, ठीक हो? नहीं महाराज। क्या हुआ आपको? बेटा निकाल दे मार के। बेटा ने घर से निकाल दिया? लाठी दिन बताई दे, लाठी लाओ, यही लाठी मुंह में डाले। इस लाठी से मारा है? हाँ। मुंह में डाल दिया? हाँ। नहीं राखी, इस घर नहीं ले, इसमें कुछ नहीं ले, सब लूट ले। तो आपकी बेटी सेवा कर तो रही है आपकी? बेटी है, रेहू किराया में है महाराज। हाँ? किराया में 3 ठन बेटा है और किराया में रायगढ़ में रहते। अच्छा, बेटी किराए से रहती है? हाँ। तो फिर भी किराए से है या कुछ भी है, पर सेवा तो कर रही है ना बेटी? करी से 6 महीना, देखो ससुर देवर है, ओमन किटकिटार थे। अच्छा, नहीं अपन माल रखे। तो कहाँ आपकी बेटी कहाँ है? तो ये माँ को क्या दिक्कत है बताइए, आपके पास रहती हैं तो क्या दिक्कत है? मेरे पास दिक्कत नहीं है, माने हम लोग का घर नहीं है खुद का ना। अच्छा। किराए में रहते हैं रायगढ़ में। अच्छा, तो माँ के कहना है कि बेटी घर कितना दिन तक रहूंगी, तेरा भी घर नहीं है तो मेरे को महाराज के पास ले चल। अच्छा। हाँ, मानी गांव में छोड़ेगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, कुछ खा के मर जाऊंगी। तो बेटा, आपके भाई कितने हैं? 2 हैं, 3 थे, खत्म हो गए। तो दोनों भाई को आप समझाती नहीं हो? हाँ, बहन गए थे, मेरे पति गए थे तो समझाओ। तो भाई लोग बोले हाँ। कि हम लोग नहीं रखेंगे, वो कहीं भी जाए मरे, हम लोग को कोई मतलब नहीं। अरे राम राम, ऐसा बोल दिया? वैसी बोले, मेरे को भी मना कर दिया है, हम लोग के घर मत आना, तू हमारी बहन नहीं है। क्यों? माने मैं रखी हूँ ना माँ को इसलिए। अच्छा, मतलब जो माँ को रखेगा उससे भी बात नहीं करेंगे? हाँ, तू भी मत रखा। तो फिर हम रखेंगे तो हमसे भी बात नहीं करेगा? नहीं करेगा। मेरी बड़ी बहन भी मेरे को ना अपने बेटे का शादी की तो नहीं, माने बुलाई नहीं कि तू माँ को रखी है ऐसे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, सड़क में छोड़ दे माँ को? माँ को छोड़ दे ऐसी। बताइए कितना निर्दयी जमाना हो गया। मेरी माँ ना बोली कि मैं महाराज के पास जाऊं। कोई बात नहीं, यदि मैया की इच्छा यहाँ है तो कोई बात नहीं, ये दास सेवा करेगा आपका, तीसरा बेटा बनके। ठीक है, मैया की सेवा करेंगे, रखवा दो मैया को। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा एक प्रश्न है जी। मेरी ननद को ना बहुत बुरी बुरी ख्याल आते हैं, उनका उपाय बता दीजिए। किसका ख्याल आता है? मेरी ननद, ननद मेरी दीदी, ननद दीदी। हाँ, तो ननद को किसका ख्याल आता है? वो बहुत बुरे बुरे सपने देखती है और दूसरों के बारे में बुरा बुरा गलत गलत सब ऊपर आते हैं। तो सोचती होगी गलत गलत वो? हाँ। तो सोचती है तो आएगा ना? तो वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती हैं। उनसे बोलना सत्संग रोज कथा सुना करें। वो सुनती भी हैं आपका रोज डेली? आई है? आई है क्या? नहीं, बस मेरी छोटी ननद। उनसे बोलना कि रात्रि को सोने के पहले
श्रीमन नारायण का नाम जपें और भगवत चिंतन करते हुए सोएंगे तो उल्टा सीधा ना के भगवान सपने में आएंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सोने के पहले भगवत चिंतन करना चाहिए सबको।